जादू की रागर में चिन्ना और मुन्ना नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे और साथ साथ खेलते थे। चिन्ना जरा शांत स्वभाव का था, लेकिन मुन्ना बातूनी था। हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता था, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देता था। एक दिन जब दोनों स्कूल से लौट रहे थे तो रास्ते में एक सोने का चिराग दिखाई दिया। चिन्ना ने पास जाकर उसे अपने हाथों में उठाया। चिन्ना, अरे ये कोई जादुई चिराग दिखता है जैसे कहानी में है। सुना है इसमें एक जिन रहता है, इसको रहने दे पर बाहर आकर इच्छाओं को पूरा कर देता है। हाँ हाँ, पर वो चिराग मेरा है, पहले मैंने ही इसे देखा। कहते हुए उसने चिराग को छीनना शुरू किया। चिन्ना, ये अन्याय है, मैंने ही इसे पहले देखा था। कहते हुए उसे जोर से पकड़ा। दोनों के इस खींचा तानी में चिराग के अंदर का जिन बाहर निकला। जिन, मुझे बाहर निकालने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप दो हो इसलिए मैं आप दोनों को एक एक वोट दूंगा। इसे क्या चाहिए आप भी तय करें। कहते हुए उसने हवा में अपना हाथ घुमाया और एक छोटी सी डिबिया और सोने से भरा एक थैली प्रकट हुआ। जिन ने कहा, इन दोनों के बारे में बताता हूँ।